दिल्ली में मास्क ना पहनने पर जुर्माने को लेकर राजनीति गर्म हो गई है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार के मंत्री ही नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। दिल्ली बीजेपी ने ट्विटर पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया बिना मास्क लगाए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के मुताबिक ये तस्वीरें सोमवार को हुए किसी कार्यक्रम की हैं। बीजेपी ने ट्वीट में लिखा कि इनका चालान नहीं कटेगा, क्योंकि आप और आपके नेता खुद को कानून से ऊपर समझते हैं। पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी सांसद प्रवेश साहिब सिंह ने तो सिसोदिया को ही बीमारी करार दे दिया है। दिल्ली सरकार ने हाल ही में मास्क ना पहनने पर जुर्माना 500 के बजाय 2000 रुपए करते हुए 4 गुना बढ़ा दिया था, और बहुत से लोगों के चालान भी काटे जा रहे हैं। इस खबर पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।